कोविड-19 महामारी न्यूरोलॉजिकल और इम्यूनोलॉजिकल जैसी रोगजनकता का खुलासा कर रही है। अमेरिका में एक नई रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है। अब तक आपने सुना होगा कि कोरोना वायरस के आम लक्षण सर्दी, खांसी, बुखार हैं, लेकिन एक नई स्टडी की माने तो इन सब के पहले कोविड के कई मरीजों में न्यूरोलॉजिकल लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जिसमें सिर दर्द, चक्कर आना, असजगता, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, गंध और स्वाद महसूस नहीं कर पाना, दौरे, स्ट्रोक, कमजोरी और मांसपेशियों में दर्द जैसे लक्षण शामिल हैं। ये स्टडी अमेरिका के नॉर्थ वेस्टर्न मेडिसिन ने की है, जहां उनकी रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल में भर्ती आधे कोरोना पीड़ितों में नर्वस सिस्टम संबंधी दिक्कतें हैं। स्टडी के प्रमुख लेखक और न्यूरो संक्रमण रोगों के नॉर्थ वेस्टर्न मेडिसिन चीफ डॉक्टर इगोर कोरालेकिन ने कहा, आम जनता और चिकित्सकों को इसके बारे में पता होना जरूरी है, क्योंकि कोरोना वायरस इन्फेक्शन बुखार, कफ और सांस की दिक्कत से पहले शरीर में न्यूरोलॉजिक लक्षणों के साथ मौजूद हो सकता है। ये रिसर्च एनल्स ऑफ न्यूरोलॉजी में पब्लिश हुई है। नर्वस सिस्टम को चौपट कर सकता है कोरोना। इस रिसर्च में बताया गया है कि नोवल कोरोना वायरस रीढ़ की हड्डियों, मस्तिष्क, तंत्रिकाओं और मांसपेशियों समेत पूरे नर्वस सिस्टम पर असर डाल सकता है। डॉक्टर कोरालेनिक के अनुसार ये वायरस अलग अलग तरीके से न्यूरोलॉजिकल डिसइंफेक्शन की वजह बन सकते हैं। वैसे तो ये बीमारी फेफड़ों, किडनी और हृदय को ज्यादा प्रभावित करती है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी के इसके दिमाग पर काफी बुरा असर पड़ सकता है और इसकी वजह से क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो सकता है, जो स्ट्रोक तक का कारण बन सकता है। संक्रमण को लेकर करता है चौकन्ना। वैज्ञानिकों ने रिसर्च में पाया है कि ये वायरस ब्रेन और मेनिंजेस को भी सीधे संक्रमित कर सकता है। इसके साथ ही ये वायरस इम्यून सिस्टम में सूजन ला सकता है, जिसके कारण मस्तिष्क और तंत्रिकाएं क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस तरह के रिसर्च में कोविड-19 के मरीजों के न्यूरोलॉजिकल लक्षण का पता लगाकर उसका इलाज किया जा सकता है, लेकिन आम लोगों और डॉक्टरों के लिए ये रिसर्च बड़े काम की साबित हो सकती है और ये वायरस के संक्रमण को लेकर लोगों को पहले से ही चौकन्ना कर सकता है। इधर इस रिसर्च के बाद डॉक्टर कोरानेकल और उनके सहयोगियों ने एक न्यूरो कोविड रिसर्च टीम का गठन किया है और अस्पताल में भर्ती सभी कोरोना वायरस के मरीजों का गहन विश्लेषण शुरू किया है, ताकि न्यूरोलॉजिकल समस्याओं के प्रकार और उनके उपचार पर काम किया जा सके। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।